नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। उज्जैन में फतेहाबाद रेलवे लाइन को बंद हुए 5 साल हो चुके हैं। रेलवे लाइन को फिर से शुरू करने की कोशिश लंबे समय से की जा रही है। अब इसका भूमि पूजन 17 मार्च को होने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए सांसद चिंतामणि मालवीय ने भाजपा कार्यालय में बैठक रखी। सांसद चिंतामणि मालवीय ने कहा कि 235 करोड़ की लागत से रेलवे ट्रैक बनेगा और 35 करोड़ से पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन के लिए रेलवे लाइन ऐतिहासिक होने के साथ बड़ी सौगात होगी। इससे पहले रेलवे लाइन का भूमि पूजन 2 बार निरस्त हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार 17 मार्च को भूमि पूजन हो पाता है या नहीं। देखिए, ये करीब 245 करोड़ की लागत का तो उज्जैन फतेहाबाद गैस परिवर्तन है, अमान परिवर्तन है। दूसरा करीब 35 करोड़ की पुल पुलियाएँ हैं। फिर 700 करोड़ का उज्जैन देवास इंदौर, वो भी होना है। और इस प्रकार उज्जैन को केवल इसी बार सौगात जो है वो करीब 1000 करोड़ की मिलना है। बहुत बड़ा काम रेल के क्षेत्र में निर्णायक काम हुआ है। और मैं आपके माध्यम से उज्जैन के समस्त बंधुओं से निवेदन करता हूँ, नागरिक बंधुओं से, कि वो अधिकतम संख्या में आकर के रेल मंत्री के प्रति अपना आभार भी प्रकट करें अपनी उपस्थिति से, और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, सहभागी बने। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।